पटना के गांधी मैदान में दो दिन पहले हुई स्वाभिमान रैली के जवाब में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली हुई। भागलपुर में यह रैली हुई, इसमें नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ नीतीश, लालू और कांग्रेस के तमाम सवालों के जवाब दिए, बल्कि उनसे यह भी पूछा कि जो 25 साल से बिहार में राज कर रहे हैं वो अपने कामकाज का हिसाब कब देंगे। भारतीय जनता पार्टी। भागलपुर की परिवर्तन रैली में जनता उमड़ी हुई थी। इस भीड़ के बीच भाषण की औपचारिकताएं निभाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दों की बात शुरू की। बोले, चुनाव बिहार की विधानसभा का है और जवाब उनसे मांगा जा रहा है। जवाब तो वो दें जो पिछले 25 साल से सत्ता चला रहे हैं। ये अपना हिसाब तो दे ही नहीं रहे हैं। 25 साल में क्या काम किया इसका जवाब नहीं दे रहे हैं और जवाब मोदी का मांग रहे हैं। ये सरकार में बैठे लोग अपने काम का और अपने कारनामों का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। यहां से मोदी ने गांधी मैदान में हुई स्वाभिमान रैली का हिसाब किताब चुकता करना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने स्वाभिमान रैली को तिलांजलि रैली की संज्ञा दी। वजह आप खुद सुन लीजिए। ये परसों की उनकी रैली कि राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, इन महापुरुषों को तिलांजलि देने की रैली थी, जिन्होंने जयप्रकाश की तिलांजलि की, जिन्होंने राम मनोहर लोहिया जी की तिलांजलि की, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर की तिलांजलि की, उनकी तिलांजलि आप करोगे। पलटवार का मंच सज चुका था तो बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि स्वाभिमान रैली में बिहार के भविष्य की कोई रूपरेखा नहीं थी, अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध। सबका एक ही कार्यक्रम था, मोदी 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 मोदी। मैं सोच रहा था कि एनडीए की सभाओं में या विदेशों में नौजवान तो मोदी मोदी करते हैं, लेकिन मैं हैरान था ये भी मोदी 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 कर रहे थे। अगला सवाल बिहार के विशेष पैकेज का उठाया। अगले 4 सालों में केंद्र की ओर से वित्त आयोग से मिलने वाले पैसों का आंकड़ा सामने रखा, बिहार में नीतीश के आंकड़ों को पेश किया और पूछा कि बचा हुआ 1,06,000 करोड़ कहां जाएगा। जरा ये बताइए भाइयों बहनों, जरा पूछना पड़ेगा कि भारत सरकार का 3,74,000 करोड़ आने वाला है, आप 2,70,000 करोड़ कह रहे हो, तो 1,06,000 करोड़ क्या चारे के लिए लगाया जाएगा? क्या ये चारे की खातावाही में डाला जाएगा क्या? मोदी ने इस बार बिहार को बीमारू साबित करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन गरीबों के लिए चल रहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की खराब स्थिति सामने रख दी। नेपाल भूकंप के दौरान बिहार का हाल जानने के लिए जो उन्होंने तत्परता दिखाई थी उसका जिक्र किया और जाते जाते ये कह गए कि बिहार को 25 साल के सूखे से बाहर निकालना है। सुजीत कुमार झा के साथ रोहित सिंह, भागलपुर, आज तक। पटना के गांधी मैदान में दो दिन पहले स्वाभिमान रैली के जवाब में ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। दरअसल बहुत सारे मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच सवाल जवाब चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ये तब से जारी है जब से बिहार चुनाव के लिए मोदी प्रचार के मैदान में उतरे। डीएनए से शुरू हुई बात तमाम मुद्दों पर जारी रही। कुल मिलाकर के बिहार को दिल्ली सरकार के खजाने से 1,65,000 करोड़ रुपया का पैकेज हमने घोषित किया। 87% पुरानी चीजों को फिर से रीपैकेजिंग करके और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है 40,000 करोड़, तो आज यही कर रहे थे कि 1,25,000 करोड़ में खुलेआम 40,000 करोड़ जोड़कर 1,65,000 का उल्लेख बार बार कर रहे थे। दिल्ली सरकार के खजाने से 3,74,000 करोड़ तो वहां से आने वाला है और आप पैकेज दे रहे हो
2,70,000 करोड़ का। ये देने का प्रश्न नहीं है, ये हमारी संघीय व्यवस्था में प्रावधान है। ये केंद्र की कृपा नहीं है या उनकी कोई मर्जी नहीं है। भारत सरकार का 3,74,000 करोड़ आने वाला है, आप 2,70,000 करोड़ कह रहे हो, तो 1,06,000 करोड़ क्या चारे के लिए लगाया जाएगा क्या? ऐसी हल्की बात अगर मुल्क के प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाएगी तो मुल्क का क्या होगा? सेंसेक्स एकदम लुढ़क रहा है, हमको लगता है कि परेशान जरूर थे। जब नेपाल में भूकंप आया, मैं पहला व्यक्ति था जिसने बिहार के मुख्यमंत्री को फोन किया कि भूकंप की स्थिति में आपकी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा, मोदी जी मैं तो दिल्ली में हूं, मुझे अभी तो कोई जानकारी नहीं है। वो तो ऐसे बोल रहे थे कि मैं दिल्ली में था, मानो भूकंप के बारे में हम लोगों को मालूम था कि अभी भूकंप आने वाला, आप दिल्ली में थे, देश के बाहर नहीं थे। 2005 में 101 सेंटर थे, 2014 आते आते वे 101 से 102, 105, 110 नहीं हुए, 70 हो गए मेरे भाइयों, 70 हो गए। 101 का फिगर कहां से लाए कि उस समय था, अभी घट गया है, पता नहीं वही जानते होंगे। तो 2006 में हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिहार में थे 398, 2015 में है प्राइमरी हेल्थ सेंटर 533। मैं फिर से आपके पास वोट मांगने के लिए आऊंगा, और जब 2019 में आऊंगा तो दिल्ली में मेरी सरकार ने क्या काम किया है पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। आपका 15 महीना हो गया, एक साल का तो जारी कर देते, आप 5 साल में जारी करिएगा कह रहे हैं चुनाव के टाइम में। हम तो साल दर साल रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं किस साल क्या हुआ।